हाँ जी नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं कि अग्निपथ स्कीम का आपका जो एग्जाम पैटर्न है एयरफोर्स का वो क्या रखा गया है, तो उस पैटर्न की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, बाकी चैनल को जाकर चेकआउट कर लो, कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहली बात, मैं यहां पर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जिन्हें आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहला काम अप्लाई करने की डेट आपको फिक्स पता है, 24 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। सेकंड चीज, अप्लाई करने के बाद आपका जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड से आपको एग्जाम देना है। इसका ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट के लिए आपको अपेयर होना होगा। एग्जाम आपका होगा यहाँ पर 24 जुलाई को एग्जाम होगा, यानी केवल एक महीना है। तो आपका सबसे पहला अप्लाई, एडमिट कार्ड, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम। अब मैं बात करता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या है, उसका क्या है आपका। सिंपल सा बात, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी एक्स ग्रुप क्या बला है मेरे भाई, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों ने 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास आउट किया है, वो बच्चे एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी आर्ट्स, कॉमर्स, बायोसाइंस, किसी से भी बिलोंग करते हैं, वो बच्चे वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस वाला बच्चा एक्स वाई बोथ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो एक्स ग्रुप के बच्चों का पेपर होगा 60 मिनट का। 60 मिनट के अंदर उनको देने मिलने वाले हैं 70 सवाल, जिसमें 20 सवाल होंगे इंग्लिश के, 25 सवाल फिजिक्स के, 25 सवाल मैथमेटिक्स के। पूरा पैटर्न आपको अपनी आंखों के सामने आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सेकेंडरी बात करते हैं जनाब वाई ग्रुप के बारे में। वाई ग्रुप में आपको मिलने वाली है 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट, जिसमें आपको 20 सवाल इंग्लिश के मिलेंगे और बाकी के 30 सवाल आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर रागा, रीजनिंग, आपका जनरल अवेशनर, जनरल साइंस, जीके के साइंस के सवाल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, यानी 45 मिनट, 50 सवाल। थर्ड बात करते हैं एक्स वाई ग्रुप के लिए। अगर आप एक्स वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर 85 मिनट्स मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 20 सवाल इंग्लिश के, 25 सवाल फिजिक्स, 25 सवाल मैथमेटिक्स और 30 सवाल रागा के करने को मिलने वाले हैं। हर सवाल एक नंबर का होगा, हर गलत सवाल के लिए 2.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो सवाल आप नहीं करेंगे उसके लिए आपको कोई चार्जेज नहीं देना होगा। ये आपका पहला प्रोसीजर है ऑनलाइन टेस्ट का। जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके एग्जाम के एक महीने बाद आपका इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा एफओस की वेबसाइट पर। आप उसे चेकआउट करेंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट आपका एक दूसरा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे हम फेज सेकंड बोलते हैं, सेकंड पार्ट होता है। उसके अंदर आपको इंडियन एयरफोर्स के सेंटर्स पर बुलाया जाता है, जहां आपका मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो ये आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर है। बाकी मैंने हर चीज पर, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन भर सकता है, सारी चीज़ें हमने वीडियो के अंदर डिटेल से शेयर करी हैं। अगर आप अभी जाकर इस चैनल को चेकआउट करिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर जानकारी यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर सही सटीक जानकारी मिलने वाली है। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जय हिंद।